राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत भूमि प्रदूषण की समस्या। विकास की प्रक्रिया में पर्यावरणीय गुणवत्ता के घटने से अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जाता है। जब तक उपयोग का पारितंत्रीय सिद्धांतों से तालमेल बना रहता है तब तक कोई हानि नहीं होती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी से संपन्न मानव परिस्थितियों की कोई परवाह नहीं करता तथा अनेक पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करता चला जाता है। इससे स्त्री पुरुषों सभी के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। प्रदूषण की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों से कुछ पदार्थ और ऊर्जा मुक्त होती है जिससे प्राकृतिक पर्यावरण में कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन प्रायः हानिकारक होते हैं। प्रदूषण की पहचान के लिए प्रायः तीन कसौटियों का उपयोग किया जाता है। ये हैं, पहला मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ तथा मानवीय अपशिष्टों का निपटान, दूसरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फेंके गए अपशिष्टों से उत्पन्न हानि, और तीसरा परिस्थितियां जहां हानि का दुष्प्रभाव तीसरे पक्ष को सहना पड़ता है। प्रदूषण कई प्रकार का होता है। प्रदूषण के प्रकारों का कारण प्रदूषक तथा वे अनेक और विविध माध्यम हैं जिसके द्वारा वे परिवाहित तथा विकीर्ण होते हैं। पारितंत्रों में विद्यमान प्राकृतिक संतुलन में ह्रास और प्रदूषण उत्पन्न करने वाली ऊर्जा या पदार्थ के किसी भी रूप को प्रदूषक कहा जाता है। ये गैस, तरल या ठोस रूप में हो सकते हैं। भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण में ह्रास और मृदा तथा वनस्पति के आवरण का प्रदूषण शामिल है। मृदा की गुणवत्ता के घटने के ये कारण हैं। मृदा अपरदन, पौधों के पोषक तत्वों में कमी, मृदा में सूक्ष्म जीवों का घटना, नमी की कमी, विभिन्न हानिकारक तत्वों का संकेंद्रण आदि। अपरदन प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार के कारकों से होता है। निर्वनीकरण, अतिचराई और भूमि का अनुचित उपयोग भी अपरदन की गति को तेज कर देते हैं। एक अनुमान के अनुसार देश की 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि अपरदन की समस्याओं से पीड़ित है। केवल स्थानांतरित कृषि के कारण ही 3 करोड़ हेक्टेयर भूमि अपरदन से प्रभावित है।
अपरदन के अतिरिक्त मृदा के लवणीकरण और जल भराव के कारण है। भूविज्ञान की दृष्टि से अनुपयुक्त क्षेत्रों में बांधों, जलाशयों, नहरों और तालाबों का निर्माण, नहरी सिंचाई का अत्यधिक उपयोग और अप्रवेश्य चट्टानों वाले क्षेत्रों में बाढ़ के पानी का रुख मोड़ना। इनके द्वारा भूमि की संभावित क्षमता घटती है। अति सिंचाई के कारण देश के उत्तरी मैदानों में लवणीय और क्षारीय क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। सिंचाई मृदा की संरचना को भी बदल देती है। इनके अलावा रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, कीटनाशी और शाकनाशी मृदा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक मृदा के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। ये जीव मृदा में नाइट्रोजन परिवर्तन का कार्य करते हैं। ये अन उर्वरता में वृद्धि करते हैं तथा मृदा की जल धारण क्षमता को घटा देते हैं। इनके कुछ अंश फसलों में चले जाते हैं जो मानव के लिए धीमे विष का कार्य करते हैं। इसी प्रकार कीड़ों को मारने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कार्बनिक फॉस्फेट के यौगिक मृदा में लंबी अवधि तक बने रहकर उसके सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते रहते हैं। औद्योगिक और नगरीय अपशिष्टों का अनुचित निपटान तथा नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों के निकट प्रदूषित मल जल से की गई सिंचाई भी मृदा का ह्रास करती है। उद्योगों और नगरों के अपशिष्टों के विषैले रासायनिक पदार्थ आसपास के क्षेत्रों की मृदा में मिलकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। इसके अलावा कारखानों तथा अन्य स्रोतों की चिमनियों से निकलने वाले गैसीय और ठोस कणिकीय प्रदूषकों को उड़ाकर हवा सुदूर क्षेत्रों तक ले जाती है। विषैले पदार्थों से युक्त ये प्रदूषक मृदा में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं। कारखानों से निकलने वाली गंधक अम्लीय वर्षा का कारण है। इससे मृदा में अम्लता बढ़ती है। कारखानों और सीमेंट के चूना बनाने वाली भट्टियों, कोयले की खानों, मोटर वाहनों, ताप बिजली घरों आदि से भारी मात्रा में निकलने वाले कणिकीय पदार्थों के द्वारा मृदा का बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है। क्या है हमारे चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर। पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत भूमि प्रदूषण की समस्या, अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, वाचक थे अमिताभ वर्मा। विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्र, आलेख एस के शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।